परंतु क्रिश्चियंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण साइट जो है वो चर्च ऑफ द होली सेपल्चर है, क्योंकि वहीं पर हमारे यीशु मसीह को सूली दी गई और किस प्रकार इस जगह की खोज की गई और क्या प्राचीन इतिहास इस जगह का, आज की खास वीडियो में हम देखेंगे। और चर्च ऑफ द होली सेपल्चर यरूशलेम के पुराने शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। कंटेस्टाइन द ग्रेट ने सबसे पहले साइट पर एक चर्च का निर्माण किया। कथित तौर पर 312 में आकाश में एक क्रॉस की दृष्टि को देखने के बाद कंटेस्टाइन द ग्रेट ने ईसाई धर्म का पक्ष लेना शुरू कर दिया। धर्म को वैध बनाने वाले मिलान के फतवे पर हस्ताक्षर किए और अपनी मां हेलेना को मसीह की कब्र की तलाश के लिए यरूशलेम भेजा। केसरिया के बिशप यूसेबियस और यरूशलेम मैक्रियस के बिशप की मदद से एक कब्र के पास 3 क्रॉस पाए गए, जिसमें कथित तौर पर मौत के लोगों को ठीक किया था। उसे 2 क्रॉस माना जाता है, जिस पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, जिससे रोमियों को विश्वास हो गया कि उन्होंने कलवरी को ढूंढ लिया है। कंटेस्टाइन ने लगभग 326 में आदेश दिया कि बृहस्पति शुक्र को मंदिर को एक चर्च के द्वारा बदल दिया जाए। जब मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके खंडहर हटा दिए गए तो गुफा से मिट्टी को हटा दिया गया, जिससे एक चट्टान कट मकबरे का पता चला, जिसे हेलेना और मैक्रियस ने यीशु के दफन स्थल के रूप में पहचाना, और एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसके भीतर चट्टान की मकबरे की दीवारें थी। और सबसे ज्यादा बिजेंटाइन टाइम और क्रूसेडर के समय पर यरूशलेम में चर्च का निर्माण किया गया। जैसा कि पढ़ा गया, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर, जैसे आप ये देख रहे हैं, इस इमारत को कई बार तोड़ा गया, फिर बनाया गया और इसके अंदर कई बार बदलाव आए, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जो यीशु मसीह से संबंधित थी यरूशलेम के अंदर। तो इसीलिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से लोग आज इस जगह को देखने जाते हैं। और जैसे यीशु मसीह ने बताया भी था कि जब वो ऊँचे पे चढ़ाए जाएंगे तो समस्त लोगों को अपने पास खींचेंगे, उसी प्रकार इस जगह पर बहुत से लोग खींचे चले जाते हैं। जाति जाति के, देश विदेश के लोग इस जगह को देखने जाते हैं। और इस जगह के अंदर एक चमत्कार होता है जो कि गुड फ्राइडे के अगले दिन होता है, और यहाँ पर स्वर्ग से आग निकलती है और जो भी लोग कैंडल्स लेके खड़े होते हैं उनकी कैंडल जल जाती है। और ये आश्चर्यक्रम को देखने के लिए हर साल लोग यहाँ पर बहुत आय से जमा होते हैं। मैं फोटो लगा दूंगी। ये महत्वपूर्ण आश्चर्यक्रम प्रति वर्ष यरूशलेम में होता है, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के अंदर। जैसे आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसका प्रांगण इस प्रकार से दिखता है और प्राचीन इतिहास से भरा हुआ है। किस प्रकार यरूशलेम में खोज की गई है ऐतिहासिक जगहों की, आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। जरूर से बने रहिए वीडियो में। यरूशलेम एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर मूल रूप से यहूदियों का शहर है, लेकिन बाद में यह शहर ईसाइयों और मुस्लिमों के लिए भी पवित्र स्थान बन गया। यहाँ पर सुलेमान का बनाया हुआ परमेश्वर का भवन था और अब इसके परिसर में मस्जिद, चर्च और सिनेगॉग हैं, जहाँ पर आधुनिक समय में टेम्पल माउंट है और द चर्च ऑफ होली सेपल्चर तक ये पूरा एक ही कंपाउंड हुआ करता था। और टेम्पल माउंट, जिसे आज कहते हैं, यहीं पर मानव के निर्माण के लिए धूल इकट्ठी हुई थी। यह स्थान ईसाइयों के लिए, मुस्लिम्स के लिए और यहूदियों के लिए बड़ा पवित्र स्थान है। यहीं पर पहले मानव की सृष्टि हुई थी और यहीं पर खड़े होकर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी। इस शहर में रोमन, पर्शियन, अरब, तुर्क, क्रूसेडर्स, इजिप्शियन और इस्लामिस्ट ने राज्य किया है। 63 BC में यरूशलेम को रोमन ने अपने कब्जे में लिया। रोम की तरफ से एक लोकल ट्राइब्स के चीफ हेरोद को उस एरिया का किंग बना दिया, अर्थात हेरोदेस राजा को, जो कि यीशु मसीह से पहले था। 37 BC में किंग हेरोद ने शहर में बहुत से निर्माण करवाए। यहाँ पर उसने मंदिर भी बनवाया और आज तक उन अंश को देखा जा सकता है। और उसके बाद जब क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा किया था, तो जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है वहाँ पर उसने एक चर्च बना दिया था। और फिर से यहाँ पर मुस्लिम का कब्जा हुआ और फिर से यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक और अलक्सा मॉस का निर्माण हुआ। अद्भुत इतिहास से भरा है ये यरूशलेम। और यहाँ पर यीशु मसीह को सूली दी गई थी और बहुत से काम यहाँ पर हुए थे, जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम बाइबल स्टडी करते हैं, इसलिए हम बाइबल के आधार पर इस जगह की स्टडी करेंगे, ऐतिहासिक जगहों की। और क्यों हमारी बाइबल इतनी खास है, क्यों हमारी बाइबल से यरूशलेम में इतनी बातें मेल खाती है, क्यों
यरूशलेम के इतिहास में बाइबल एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज की इस खास वीडियो में हम वही जानकारी को प्राप्त करेंगे। ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ वर्षा, जय मसीह की। 2007 में एक स्टडी के दौरान ये पता चला कि जहाँ पर चर्च ऑफ द होली सेपलकर है, वहाँ पर पहली शताब्दी की 6 कब्रें पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि द चर्च ऑफ द होली सेपलकर यीशु मसीह की क्रूस के समय पर नगर के बाहर था, जैसे हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं। वह स्थान सुलेमानी मंदिर के परिसर में ही आता था, परंतु बाहर था। जिस दिन यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, वो फसे की तैयारी का दिन था। परमेश्वर ने मूसा को और मूसा ने इसराइलियों को परमेश्वर के सम्मुख फसे के पर्व को मनाने के लिए आज्ञा दी थी, जैसे कि आप इन फोटोज में देख रहे हैं और जो यहाँ पर लिखा है आप उसको पढ़ सकते हैं। क्या बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से यरूशलेम में पाई जाती है, वो सब कुछ आपको इस पे लिखा हुआ मिलेगा। तो ज़रूर से आप इसे पढ़ सकते हैं ताकि आपकी जानकारी और मजबूत हो, आपकी बाइबल स्टडी और मजबूत हो। आप बाइबल में से 400 समाचार में परमेश्वर की क्रूसिफिकेशन के बारे में, अर्थात परमेश्वर की क्रूस उठाने के विषय में पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल उसी के आधार पर यरूशलेम में द चर्च ऑफ होली सेपलकर की खोज की गई, और सबसे महत्वपूर्ण ये खोज की गई है, और इससे हमारी बाइबल और हमारे यीशु मसीह के जीवन पर बहुत प्रकाश डाला जाता है। और बहुत अद्भुत रीति से यहाँ पर इस जगह की खोज की गई है, और परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमने यरूशलेम का इतिहास देखा, बहुत प्राचीन है, लेकिन चर्च ऑफ होली सेपलकर का इतिहास आप इसमें पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये यरूशलेम में, जो हमारी बाइबल से बहुत मेल खाता है। और यरूशलेम की जितनी भी स्टडी की जाए कम है, लेकिन हम अपने विश्वास को सिर्फ यरूशलेम पर आधारित नहीं करते। हमारी विश्वास हमारी बाइबल से, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जब हम यरूशलेम में मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी सच्चाई से परमेश्वर ने कार्य किया, और हमारी विश्वास आस्था हमारे यीशु मसीह पर और बढ़ती है। और सचमुच ये जगह इतनी अद्भुत है, और आज भी यरूशलेम में बहुत से चर्च पाए जाते हैं। यह तो टेम्पल माउंट बहुत फेमस जगह, और उसमें भी हमारा प्राचीन इतिहास है, किंतु टेम्पल माउंट एरिया जहाँ तक था, जहाँ पर होली से लेकर चर्च है, जहाँ पर यीशु मसीह को सूली उठानी थी, इसीलिए यीशु मसीह यरूशलेम में गए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को फंसे के मेमने के रूप में बलिदान किया। और क्या इतिहास है आप इस सारी फोटो में पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर से मदद मिलेगी। इसीलिए अपने बाइबल अध्ययन को बिल्कुल मजबूत कीजिए, और इस चैनल के द्वारा जो भी आपको शिक्षा प्राप्त होती है, आप बाइबल की शिक्षा में मजबूत बनिए, ताकि आप अच्छे से हर एक बातों को समझ सकें। इन सभी फोटोज़ में जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो चर्च ऑफ होली सेपलकर किस प्रकार उसकी खोज की गई, और कैसे यीशु मसीह की कब्र को और उस स्थान को जहाँ क्रूस दी गई उसकी खोज की गई, उसका पता लगाया गया। और हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसकी जानकारी दी है, आप ज़रूर से उस वीडियो को देख सकते हैं। और क्रूस की कथा को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जिसने लहू बहा के हमसे वाचा बांधी है, उसकी बलिदान को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कीजिए, क्रूस की कथा पर विश्वास कीजिए। ये यरूशलेम जगह है, टेम्पल माउंट एरिया है, और जो आप नीला गुंबद देख रहे हैं, चर्च ऑफ द होली सेपलकर है, और ये एक ही कंपाउंड हुआ करता था। जैसे आप ये पीले गुंबद को देख रहे हैं, डोम ऑफ द रॉक है, और ये नीला गुंबद द चर्च ऑफ होली सेपलकर है। यहीं पर इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए लाया था, इब्राहिम इजहाक को। और जहाँ पर द चर्च ऑफ होली सेपलकर है, वहाँ पर एक मेमना बंधा हुआ था, और उसको उसने बलि किया। यीशु मसीह मेमने के रूप में तो इब्राहिम के द्वारा बलिदान हो चुके थे, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में एक देह को तैयार किया, और उसे बलिदान होना था, और समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेना था। अब्राहम से तो परमेश्वर ने उस बलिदान को नहीं लिया, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
अर्थात सब लोग, समस्त प्राणी, समस्त मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपने देह को बलिदान किया और पापों से छुड़ा कर हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए ये स्थान यरूशलेम में इतना महान है, इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि ये हमारे यीशु मसीह की उस क्रूस की कथा की गवाही देती है। ये स्थान, ये जगह, ये यरूशलेम जगह यीशु मसीह की गवाही को चीख चीख कर बताती है। तो कितना पवित्र स्थान है ये पवित्र बाइबल के अनुसार। अब जिसने लहू पर बहा कर हमसे वाचा को बांधा, उसकी बलिदान को समझना कितना आवश्यक है। तो हम यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान को समझेंगे। जब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण को छोड़ दिए, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, तो टुकड़े हो गया, धरती डोल उठी और कब्रें खुल गई। पवित्र लोगों के शव यरूशलेम में लोगों को दिखाई दिए और ये बातें हम पढ़ते हैं, परंतु पवित्र बाइबल में हमने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, सब में परमेश्वर की वाचाएं हैं, परमेश्वर की बातें हैं, आदम से लेके यीशु मसीह तक, और किस प्रकार यीशु मसीह ने आदि और अंत बनकर उन समस्त जो पृथ्वी पर निर्माण किए गए उन सभी बातों को पूरा किया और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आज की इस खास वीडियो में उस जानकारी को हासिल कर रहे हैं। प्रथम मानव तो मनुष्य अर्थात मिट्टी का बना वो प्राणी बना, और अंतिम प्राणी जीवनदायक आत्मा बना अर्थात यीशु मसीह। और जो पाप आदम हव्वा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर के सम्मुख किया था और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया, उसी पाप का प्रायश्चित यीशु मसीह ने बिना कपड़ों के सूली पर किया और हमें उस महिमा के वस्त्रों से फिर से ढांप दिया। और जिस प्रकार मेलकीसेदेक याजक ने अब्राहम को दाखरस और वो भेंट की रोटियां दी, उस प्रकार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपनी देह और अपने लहू को खाने और पीने की वस्तु ठहराया। और मेलकीसेदेक याजक की कोई भी वंशावली नहीं है, कोई भी उसका चित्रण नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के पुत्र का एक रूप है। इस बात का जिक्र आप इब्रानियों 7 में और उत्पत्ति 14 में पढ़ सकते हैं। और मेलकीसेदेक याजक शालेम का राजा था और यही शालेम आगे चलकर यरूशलेम कहलाया। और इस व्यक्ति के बारे में कोई उम्र का और कोई भी वंश का जिक्र नहीं है। और ये इब्राहिम को आशीर्वाद देता है, रोटी और दाखरस देता है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पवित्र लहू और अपने बदन को हमें खाने को दिया है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी कि उसके वंश को कोई भी नहीं गिन सकता और बहुत बड़ी उसकी संख्या होगी, और उस समय तो अब्राहम की कोई भी संतान नहीं थी और वो अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के बाद एक बहुत बड़ा वंश यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हो गया, और आज तक उस वंश की गिनती नहीं हो सकती जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। वो यीशु मसीह के द्वारा इतनी पूर्ण हुई कि यीशु मसीह के कतरा कतरा लहू बहाने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आज तक उसकी गिनती नहीं हो सकती कि वो कितने लोग हैं। और जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपने प्राणों को त्याग दिया, तो वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो भाग हो गया, अर्थात पवित्र महापवित्र स्थान में जाने का हियाव हो गया। और वो पर्दा कोई साधारण पर्दा नहीं था, उस पर्दे की लंबाई और चौड़ाई बहुत मोटी थी और उसके अंदर जाने का किसी को भी हियाव नहीं होता था। जिसके काम धर्मी थे बस वही उसके अंदर जा सकता था। और यीशु मसीह ने दो टुकड़े करके उस पर्दे को परमेश्वर से हमारा मिलाप कराया, और बहुत पवित्र जगह का वो पर्दा था और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी। 60 फीट इसकी लंबाई थी, चौड़ाई 30 फीट थी और मोटाई 4 इंच थी, और इतनी आसानी से ये पर्दा नहीं फट सकता था। परंतु परमेश्वर के पुत्र के जब प्राण निकले, तो ये मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक दो भाग हो गया, और उसके बाद अब कोई बलिदान भी बाकी नहीं रहा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल उससे फिर से हो गया, और अब हम परमेश्वर को आर पार देख सकते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जा सकते हैं।
और मंदिर के पर्दे के फटने के बाद अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा और उसके बाद कोई भी कुर्बानी अब नहीं होती है। और यीशु मसीह के कीमती कतरे लहू के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से अपने मेल मिलाप को किया और वो मोरिया देश जहाँ पर एक पहाड़ी थी जिस पर अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान किया था करने के लिए वेदी बनाई थी, उसी जगह पर इतने सालों के बाद यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और फिर उसके बाद कभी मंदिर में कोई भी बलिदान नहीं किया गया। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद पापों के लिए कोई भी बलिदान अब बाकी नहीं रहा, क्योंकि लिखा है बैलों और बकरों को लहू हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने एक देह तैयार करी और उस मेमने के रूप में यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और हमारे पापों की क्षमा हो गई। और अब पापों की क्षमा के लिए कोई भी बलिदान नहीं बचा है। जैसे मिलाप वाले तंबू में मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी फसह के पर्व मनाने की और उस लहू को अपने ऊपर छिड़कने की, इस प्रकार हमारे पवित्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुड़ाता है। बैलों और बकरों का लहू वो सामर्थ नहीं रखता जो हमारे पापों को क्षमा करा सकता था। और एक मेमने के रूप में यीशु मसीह ने बलिदान को किया, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि एक पवित्र मेमने की बलिदान करके अपने पापों की क्षमा को पाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने पवित्र मेमने के रूप में बलिदान दिया यरूशलेम में और हमारा मिलाप हमारे परमेश्वर से करवा दिया और हमारे पापों के लिए और समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपने देह को बलिदान किया, पवित्र कतरे कतरे लहू को बहाया। और अब हमारे पापों की क्षमा के लिए और कोई दूसरा बलिदान नहीं, केवल हमारे पवित्र यीशु मसीह का पवित्र लहू। मेरे प्रिय, उस पवित्र लहू को अपने ऊपर छिड़क लीजिए ताकि आपके सारे पाप क्षमा हो जाएं। ये बाइबल सच्ची है, इस बाइबल पर विश्वास कीजिए। जो भी बातें हम आपको बताते हैं वो बाइबल से ही बताते हैं, वो बाइबल में लिखी हैं। यरूशलेम में वो बातें हैं, पाई जाती हैं। और वो मेमना जो एक देह में बलिदान हुआ वो आज युगान युग जीवता है और स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख हाजिर रहता है। आपके लिए मेरे लिए विनती करता है, वो चाहता है कि कोई मनुष्य मन फिराए और परमेश्वर के सम्मुख आ जाए, विश्वास करे। मेरे प्रिय, उस पवित्र लहू की जय हर दिन अपने जीवन में बोलिए, हर दिन अपने बच्चों के अपने परिवार के ऊपर छिड़की, क्योंकि वो मेमना जीवित है, उस पवित्र लहू का बलिदान जीवित है। कोई और हमें पापों से शुद्ध नहीं कर सकता, केवल उस पवित्र मेमने का लहू जो यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर कतरा कतरा करके बहाया। जैसे आपने देखा, हमारी बाइबल सच्ची है, ये जो शलम में लिखी हुई बातें सच्ची है और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही अब सब कुछ है। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, वही हमारा मंदिर है। अब यरूशलेम में वो मंदिर नहीं है, परंतु यीशु मसीह हमारा वो मंदिर है और हमें आज़ादी है। जहाँ कहीं यीशु मसीह का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम किसी भी देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु मसीह का लहू ताज़ा है, वो आपके मेरे जीवन में कार्य करता है। उसने हमें हयात दे दिया है कि हम परमेश्वर के सम्मुख उसके पुत्र और पुत्रियाँ हैं। मेरे प्रियो, चाहे हम यरूशलेम जाए ना जाए, लेकिन हमारे यीशु मसीह सदैव हमारे साथ रहता। बाइबल बताती है वो हमारे पास आता है, हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता। उसने कतरे कतरे लहू को आपके लिए और मेरे लिए बहाया है। हमने बाइबल में से देखा है कितना पवित्र ये बलिदान है, कितना उत्तम बलिदान है। और हमने समझ लिया है उस बलिदान को जो यीशु मसीह ने अपने लहू बहा के हमसे बांधा है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दे, परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर से प्रेम करे, उसके वचन को सत्य माने, विश्वास करे, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है। वो आने वाला है, समस्त लोगों को काम के अनुसार वो न्याय करेगा। पर यीशु मसीह पर जो विश्वास करेंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी।